Assalamu alaikum. I am Dr. Huda Aider, and today we will discuss about the calcium hemostasis. And in our today's lecture, we will discuss about the functions of calcium, how the calcium is regulated in the body, and about the distribution of calcium in the body. What is the feedback mechanism, and like how the vitamin D that is produced in the body, how it is activated, all the things that will be covered in the today's lecture. So starting with the calcium functions as shown in the diagram, the calcium is very important for maintaining the bone structure. It keeps the bones strengthened. Then it helps in the muscle contraction. It helps in the nerve conduction impulses. It helps in the wound healing, and it acts at the cellular level for the metabolism. So जो enzyme cofactors हैं that is also dependent on calcium for their proper functioning. Blood clotting बहुत ज़रूरी होती है calcium के लिए. It is necessary for the function of some of the coagulation cascade to be completed. And the stimulation of the membrane potential is also due to the action of calcium. क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो कैल्शियम होता है इट एक्ट एज अ गार्ड ऑन द सोडियम रिसेप्टर्स. जो सोडियम जो पोलराइजेशन करती है इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके ऊपर जो कैल्शियम है इट एक्ट्स एज अ गार्ड. तो ये जब हम मसल्स की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें डिटेल से आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इन मेंटेनिंग द डीपोलराइजेशन एट द लेवल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. Very important is the distribution of calcium, कि calcium जो है उसकी distribution कैसे है. कि कुछ हमारे compartments होती हैं extra cellular like plasma, और intracellular compartment है और bone. ये तीन जो है ये major pools हैं body में calcium के. Total body calcium is 1 gram, 1 kilogram, जिसमें से 99% ऑफ इट इज़ लोकेटेड इन द स्केलेटन. इस वजह से जब भी पेशेंट हमारे पास बोन पेन्स के साथ वीकनेस के साथ आते हैं तो सबसे पहले हम क्लिनिकली इसको यही सस्पिशन होता है कि इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है. नो द एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, तो उसके अंदर जो आयोनाइज्ड फॉर्म है कैल्शियम की दैट इज़ 45% एंड द बाउंड फॉर्म इज़ 55%. लाइक जैसे कल बाइंडिंग के साथ कैल्शियम बाइंड करती है तो ये बाउंड फॉर्म 55% है, और आयोनाइज यानी फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम दैट इज़ 45%. और जो कैल्शियम कहाँ किस किस के साथ बाउंड होती है, बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स, बाय फॉस्फेट आइंस एंड बाय बाइकार्बोनेट आइंस. ठीक है, और एसिडोसिस दे कॉज द इंक्रीज्ड आयनाइज्ड कैल्शियम. ये चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है, यानी जैसे जब पेशेंट बहुत ज़्यादा जैसे साइकोसिस के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है, तो अल्कोलोसिस की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है और टेटनी वाले फीचर्स आते हैं. लेकिन जो एसिडोसिस है उसमें जो आयनाइज्ड कैल्शियम है उसके लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं. ये बात क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है. डेली रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर डे है, लेकिन प्रेगनेंट फीमेल्स में 1.5 ग्राम्स पर डे है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट. जो 3 मेजर पूल्स मैंने पहले बताए थे कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है और बोन है, ये मेजर पूल्स ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी हैं. जो कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड कैल्शियम इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज 12,000 टाइम्स द कैल्शियम कंसंट्रेशन विद इन द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, के जो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है वो ज़्यादा होती है. इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में कैल्शियम इज सिक्वेस्टर एक्सक्लूसिवली आउट ऑफ द साइटोसोल एंड विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. ये चीज़ आपने जो सेल का स्ट्रक्चर है जब देखें, उसमें सेल न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो उन्होंने ये बताया इसमें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर कैल्शियम जो है वो इनऑर्गेनाइल्स में सिक्वेस्टर हो जाती है. अब जो कैल्शियम मॉड्यूलेशन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि कैल्शियम रेगुलेटरी एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं. कैल्शियम रेगुलेटरी एंजाइम्स यानी जैसे एंडोक्राइनोलॉजी भी हम साथ ही इसके कवर कर लेंगे कि कौन से हॉर्मोन्स हैं जो जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो रेगुलेट होती है बॉडी में, कि एक्स्ट्रा सेलुलर में कितनी रहनी है, इंट्रा सेलुलर में कितनी रहनी है, बोन के अंदर
कैसे जानी है. सो द कैल्शियम रेगुलेटरी एंजाइम, दीज आर द पैराथायरॉयड हार्मोन्स, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड्स, कैल्सीटोनिन एंड द फॉस्फेट यूरिक हार्मोन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनको हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पैराथायरॉयड हार्मोन को भी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस किस लेवल के ऊपर एक्ट करती है और कहाँ से रिलीज होती है. तो सबसे पहले जो पैराथायरॉयड रिलीजिंग पेप्टाइड है, ये सब काफ़ी टिश्यूज़ और कैंसर सेल से प्रोड्यूस होता है और इसका फंक्शन सिमिलर टू पैराथायरॉयड हार्मोन होता है कि इसने कैल्शियम की बोन के अंदर एब्जॉर्प्शन करानी होती है, यानी बोन मैस बनाना होता है पैराथायरॉयड ने. फिर उसमें जो इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट करनी होती है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी. एंड इट डज़ नॉट इंक्रीज़ द विटामिन डी लेवल्स. ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका कोई रोल नहीं होता विटामिन डी लेवल्स के ऊपर. एंड इट रेगुलेट्स द कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेशन. तो कॉन्ड्रोसाइट जो हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द बोन और ये रेगुलेट करती है उनकी प्रोलिफरेशन को और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लेसेंटल कैल्शियम ट्रांसपोर्ट. The next is the calcitonin. The calcitonin is a polypeptide. It is made up of 32 amino acids. ये एम सी क्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है. सिक्रीटेड जब भी बॉडी में फॉस्फेट और कैल्शियम के लेवल ज़्यादा होते हैं तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ हो जाती है. और ये कहाँ से रिलीज़ होती है? थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे ऊपर. पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, दे आर 4 इन नंबर और उनके थायरॉयड ग्लैंड के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं. उसमें ये कैसे मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल को कि प्रिवेंट ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन करता है, डिक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट और कैल्शियम इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम जीआईटी. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कैल्सिटोनिन है उसका और पैराथायरॉयड हार्मोन का एक दूसरे से ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं. जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन इन्हेंस करती है एब्जॉर्प्शन, लेकिन जो कैल्सिटोनिन है ये इनहिबिट करती है. Now the very important is parathyroid hormone. The parathyroid hormone that is released from the glands, they are situated on the posterior side of the thyroid gland. और ये peptide hormone है, इसके अंदर 84 amino acids होते हैं. ठीक है, 84 amino acids. और it acts on the G protein receptors. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, उनके साथ बाइंड करके फिर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और ये सेक्रीट होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से. हाफ लाइफ इसकी मिनट्स में होती है. और जो फंक्शन इसका क्या क्या होता है, ये फंक्शन आपने याद रखने हैं कि बोन में इंक्रीज़ करते हैं बोन रिजॉर्प्शन को. ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन. और इस वजह से जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होती है तो बोन वीक होना शुरू हो जाती हैं. फिर इसमें जो क्योंकि इसने बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा करनी होती है ना पैराथायरॉयड हार्मोन ने, इस वजह से इसने हर जगह से बोन रिजॉर्व कैल्शियम रिजॉर्व करनी है. अब ये जो हम किडनी के लेवल पे, दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, दिस इज द बाउमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट. अब जो इसका रोल है पैराथायरॉयड का कि इसने डिक्रीज करनी होती है फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और इंक्रीज करनी होती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इंक्रीज विटामिन डी प्रोडक्शन और प्रोमोट्स कैल्सीट्रायोल फंक्शन. अभी हम जब विटामिन डी की एक्टिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो एक्टिवेट विटामिन डी होता है वो बाय हाइड्रोक्सीलेशन इन द किडनी होता है. कैल्सीट्रायोल का हमने पीछे पढ़ा था कि जो कैल्सिटोनिन है उसका हमने रोल पढ़ा था कि सारा ऑपोजिट रोल होता है जितना कि पैराथायरॉयड का होता है. नेक्स्ट इज़ द जीआईटी. जीआईटी के ऊपर इसने इंक्रीज कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन करनी होती है. एक्टिव अपटेक कैसे होती है? बाय द सोडियम एंड द पोटेशियम एटीपीएज साइकिल. वहाँ पे तो ये जो सोडियम और पोटेशियम की एक्टिव, सोडियम और कैल्शियम की एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम द गट. सो दैट वॉज अबाउट द पैराथायरॉयड हार्मोन. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन डी. कि विटामिन डी क्या है? दैट इज़ द प्रो हार्मोन. एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, इट इज़ अ प्रो हार्मोन. एट दो मेजर इसकी फॉर्म्स होती हैं, एक तो विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री. जो विटामिन डी टू है उसको एर्गोकैल्सिफिरोल कहते हैं और जो विटामिन डी थ्री है उसको कोलकैल्सिफिरोल हम बोलते हैं. ठीक है, ये वाला इसका जो टेबल है
इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि जो कैल्शियम इनटेक है, कैल्शियम इनटेक हुई और जो सनलाइट का एक्सपोजर होता है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन जब भी हम कहते हैं कि पेशेंट को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो हम सबसे पहले उसे यही कहते हैं कि आप थोड़ी सी सनलाइट में बैठें। जो फिर उसके बाद क्या होता है कि कहाँ कहाँ पे बनती है, इट इज़ मेड इन द स्किन, प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ। ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किन का इसका जो सबसे ज़्यादा रोल है वो स्किन में है, ये वहाँ से होगी। फिर उसमें जब ये विटामिन डी है, विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म है, सबसे पहले 25 हाइड्रोक्सीलेशन होती है इसकी लिवर में, और जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बन जाता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब जो इनएक्टिव फॉर्म है, जब इसकी हाइड्रोक्सीलेशन किडनी के अंदर होगी, ठीक, जब किडनी के अंदर होगी इसकी 1α हाइड्रोक्सीलेशन, तो 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, दैट इज़ एन एक्टिव फॉर्म। और जो ये एक्टिव फॉर्म होती है, अब विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बनने के लिए किस हार्मोन का रोल है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ हुए हैं, इन्होंने PTH रिलीज़ पैराथायरॉयड हार्मोन किडनी के ऊपर एक्ट किया, तो 1 हाइड्रोक्सीलेशन होगी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनी।